வணக்கம், அனைவருக்கும் வணக்கம். அமிர்தம் 24/7 நியூஸ் சேனலில் நேரில் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம கலை கலாச்சாரம் பண்பாடு பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். இந்த நம்மளோட கூட இருக்கிறவர் வந்து ஷிவ் கோவிந்த் அப்படின்ற உத்தரப்பிரதேஷ் வாரணாசிலேருந்து வந்திருக்காரு. இவர் இந்தியா முழுக்க சைக்கிள் ஓட்டிகிட்டு இருக்காரு. இப்போ இப்போ திருச்சிராப்பள்ளி தமிழ்நாட்டில் இருக்காருங்க. ஸோ அவர்கிட்ட நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். आपके फैमिली के बारे में बोलिए, आप काम कैसे क्या करते हैं, क्या पढ़ाई करें? मेरा सर पढ़ाई जो हुआ सिर्फ 12वीं तक हुआ. 12वीं के बाद मैंने आईआईटी के 12वीं मतलब 12th 10+2 के बाद मैंने आईआईटी की तैयारी किया. आईआईटी में तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट हमारे स्टेट लेवल का एक होता है जिसको बोलते हैं UPTU उत्तर प्रदेश में. बट फैमिली में पैसे की प्रॉब्लम की वजह से मैंने कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाया. इसके बाद मैं जॉब के लिए दिल्ली चला गया. हमारे जहाँ पे बनारस है, बनारस से दिल्ली करीब करीब 800 किलोमीटर दूर है. तो मैंने दिल्ली में 9 महीने के आसपास जॉब किया और जॉब के बाद मैंने बिजनेस स्टार्ट किया. मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा, दो हमारी सिस्टर है छोटी और दादी हैं, और मेरा एक जॉइंट फैमिली की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं. और मेरा जो फैमिली है टोटल विलेज साइड में रहता है. मेरे पापा एक छोटे किसान हैं और छोटे मोटे बिजनेस करते हैं. मेरी माता जी हेल्थ डिपार्टमेंट में आशा वर्कर हैं और मैं अभी छोटा सा अपना बिजनेस रन करता हूँ. मेरी सिस्टर दोनों हैं, अभी एजुकेशन ले रही हैं. ओके, तो एना सुनना, इवं अपा वो विवसायी, अम्मा वो हेल्थ वर्कर अभी वो इवर वो 12th वर्क पढ़चरकार. अदक ஐஐடி இப்போ என்ட்ரன்ஸ் எழுதி ட்ரை பண்ணார், கிடைக்கல. அதுக்கப்புறம் டெல்லியில் வந்து ஒரு 800 கிலோமீட்டர் வரும் ஊர்லேருந்து அங்கே போய் வேலை செஞ்சுருக்காரு. இப்போ தனியாக ஒரு மொபைல் சர்வீஸ் பிஸ்னஸை வச்சுட்டுருக்கு பண்ணிகிட்ருக்காராம். இப்போ அதுதான் அவரோட ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் அப்படின்றாரு. இப்போ நம்ம அகலா சவால் கே கி ஆப்கோ ரோஜானா கே கே கரத்தே கர்க்கே அப்ப சுபஹ் உட்டே से रात सोते सोने तक आपका साइकिल सवारी जो भी कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, वो सब बारे में बोलिए. मेरा क्या होता है कि हर प्लेस का अलग अलग रूल्स होता है. जैसे मैं आपके घर पे आया तो आज मैं फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद हम लोग वीडियो शूट पे आ गए. तो कहीं का कोई भी फिक्स नहीं होता. कभी ऐसा होता है कि मैं किसी के घर पर रुका, उनके घर पे फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद चलो आज हम लोग घूमने चलते हैं बाहर, तो मैं वहाँ के प्लेस सिटी विजिट कर रहा हूँ. कभी आश्रम में मैं रुका तो वहाँ पे क्या है कि उठा, फ्रेश हुआ, अभी ध्यान शुरू करना है. तो कभी भी आपका ट्रेवलिंग के दौरान जब भी आप सफ़र में हैं तो कोई भी दिन सेम नहीं होता, बट हर दिन इंटरेस्टिंग होता है, हर दिन कुछ नया होता है, हर दिन लोग नए होते हैं. कभी कभी क्या होता है कि कभी बॉडी नहीं सपोर्ट कर रहा है तो हम उस दिन रेस्ट भी ले लेते हैं. कोई ऐसा नहीं है कि हमें डेली एक कोई रूटीन फॉलो करना होता है. जहाँ का जैसा रूटीन होता है वैसा होता है. कभी किसी के घर 8 बजे सो जाते हैं, कभी किसी के घर 2 बजे 4 बजे भी सोते हैं. ऐसे भी फैमिली में मैं रुका जिनके घर पे 6 बजे मॉर्निंग में सोते हो और दोपहर में 2 बजे 3 बजे उठते. இப்போ ட்ராவலிங்கில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து இதுதான் பிளான் அப்படின்னு கிடையாதான், அது அந்தந்த யார் யாரை மீட் பண்ணுறோம் எப்போ அப்பப்போ தகுந்தாப்பில் மாறிக்கும் அப்படிங்கிறப்ப. இப்போ காலையில் 6 மணிக்கு எந்திரிக்கணும், நைட்டு 10 மணிக்கு படுக்கணுங்கிற மாதிரி பிளான் கிடையாது. நம்ம போகிற இடத்துக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சொல்கிறார் அவர். இப்போ வந்து ஒரு ஆசிரமத்துக்கு போகிறாரு, இல்லை வேறு மெடிடேஷன் பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரி இப்போ ஒவ்வொரு இடத்துக்கு தகுந்தாப்பில் ஒவ்வொரு மாதிரி பிளான் மாறும் அப்படிங்கிறப்ப. இப்போ நெக்ஸ்ட் க்வெஸ்சன், அப்போ रहने और पानी सोने वो सब क्या क्या करते हैं आप? देखिए, अगर हमें ट्रेवलिंग में करना है, ट्रेवल करना है और लॉन्ग टाइम तक ट्रेवल करना है तो हमें अच्छा खाना चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा हमें रहना चाहिए, अच्छा पानी चाहिए. तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें मैनेज करके चलना है. हम देखते हैं, सोचते हैं कि अभी हम कहाँ जाएँगे. अपने भारत में बहुत अच्छा सुविधा है कि सारे लोग हमें सपोर्ट करते हैं, सारे लोग हमें ऐसा करते हैं कि आपको किसी भी तरीके के परेशानी नहीं होने देते हैं. तो पानी के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी भारत में रोड साइड पेट्रोल पंप हैं आपको क्लीन वाटर अवेलेबल है,
फूड के लिए हम जिसके घर पे रहते हैं प्रीफर यह करते हैं कि हम उनके घर का फूड खाएं, क्योंकि हमें जितना भी एक दिन दो दिन एक हफ्ते हम बाहर का फूड खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको डेली बाहर का फूड खाना हो तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा हमें अपने बॉडी के लिए। तीसरा, ट्रैवलिंग के दौरान हमें कुछ सेफ्टी रखना पड़ता है कि हमें 50 किलोमीटर्स बाद हम ब्रेक ले रहे हैं 10-20 मिनट, ऐसा नहीं हम कंटिन्यू 100 किलोमीटर से जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी जर्नी होती है, और अपने भारत में कहीं भी किसी भी जगह पे ऐसा नहीं है कि आपको खाने के लिए चीज़ें अवेलेबल ना हो, पानी आपको अवेलेबल ना हो, तो सारी चीज़ें हर जगह आपको अच्छे तरीके से अवेलेबल। मोबाइल चार्जिंग हाँ, जहाँ भी हम जिसके घर पे रुकते हैं तो हमें वहाँ पे मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, अपना पावर बैंक चार्ज कर लेते हैं। पावर बैंक बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको रोड साइड में कभी कभी ऐसा प्लेस भी अपने इंडिया में है, आप पहाड़ पे ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको चार्जिंग लाइट्स वगैरह नहीं मिलेंगी, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आपके लिए पावर बैंक बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पावर बैंक से ही आप मोबाइल चार्ज करेंगे और मोबाइल से ही आप दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे या गूगल मैप GPS हम यूज कर पाएंगे। ओके, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद शिव गोविंद और मोहन अमृतम प्रिंस। थैंक यू।